हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, जो भी लोग एएलपी की तैयारी या फिर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें के लिए खुशखबरी है और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि रेलवे अब वैकेंसी निकाल दिया है और एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, तो ये आप डेट देख लीजिए, 31 जनवरी 2018 का न्यूज़पेपर है और ये लैंग्वेज शायद ही आप पढ़ ना पाए, ये बंगला लैंग्वेज है। ठीक है, ये बंगाल का न्यूज़पेपर है और इसको मैंने ट्रांसलेट करवाया है एक बंगला लड़के से, जो भी मेरा स्टूडेंट है, जो मेरा दोस्त है, उससे मैंने ट्रांसलेट करवाया है। और टोटल इसमें एएलपी की और टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में न्यूज़ दिया है, कब आ रही है वैकेंसी। ठीक है, तो चलिए हम ये आप तो आपके समझ में आएगा नहीं, लेकिन एक चीज़ आप देख लीजिए, 31 जनवरी का न्यूज़पेपर है। अगर जो कोई भी बंगला का आपका दोस्त है तो आप उसे पढ़वा सकते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो इसमें दोस्तों लिखा है, भारतीय रेलवे में 27,019 लोको पायलट व टेक्नीशियन। ठीक है, 27,019 पोस्ट है लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों मिला के। ठीक है, और देखते हैं क्या लिखा है। नीचे लिखा है दोस्तों, ये जो पीला वाला लिखा है, पीला वाला, इसमें लिखा है मैट्रिक व आईटीआई पास व डिप्लोमा, इनके लिए ही ये वैकेंसी है लोको पायलट की। ठीक है, तो चलिए ये पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें, पूरा क्या लिखा है। इसमें लिखा है भारतीय रेलवे पर्सनल, जो भी भारतीय रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट व टेक्नीशियन पदों के लिए 27,019 लड़का लड़की, मतलब वही विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 0/2018 के अनुसार निकाल रही है। ठीक है, इसमें जो एज कॉल पहले इसमें एज दिखाई दिया है, तो ये मैं भी सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, फिर भी जो भी थोड़ा बहुत पढ़ पा रहा हूँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एज जो है 1 जुलाई 2018 से कैलकुलेट किया जाएगा, एज मांगी गई है, एज आपके इसमें 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए, 18 से 28 वर्ष के बीच में आपकी होनी चाहिए। और जो डेट दिया है इसमें, अप्लाई ऑनलाइन का भी डेट दिया है, सबसे अच्छी बात ये है, 26 फरवरी 2018 से एएलपी व टेक्नीशियन के फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 26 फरवरी 2018, यहाँ देखिए 26 फरवरी 2018 से ये फॉर्म अप्लाई होंगे, यहाँ लिखा है 26 फरवरी 2018। और टोटल वैकेंसी भी यहाँ दे दी है, एएलपी के लिए कितनी है, टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, तो ये असिस्टेंट लोको पायलट के लिए यहाँ लिखा है, असिस्टेंट लोको पायलट की टोटल जो वैकेंसी है वो 17,849 है, और सैलरी भी लिखा, तो सैलरी अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, और टेक्नीशियन के लिए टोटल पोस्ट कितना है, टेक्नीशियन के लिए पोस्ट यहाँ लिखा है, टेक्नीशियन के टोटल 9,170 पोस्ट, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आ रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया था 17,000 के करीब लोको पायलट की वैकेंसी आएगी और 5-6 हज़ार के करीब टेक्नीशियन की आएगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा वैकेंसी आई है टेक्नीशियन की, 9,000 के करीब टेक्नीशियन की वैकेंसी है और लोको पायलट की जितना मैंने बताया था उतने ही के करीब है। ठीक है, तो अच्छी बात है, जो भी लोग लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है। फरवरी में 26 फरवरी को फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, अगर जो इस न्यूज़पेपर बात करें। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी बात है, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, 0/118, हो सकता है कि आप जो भी न्यूज रोजगार समाचार आता है उसमें आप देख सकते हो, सकता है ये न्यूज मिल जाए और सही है, क्योंकि ये अखबार एकदम 31 जनवरी 2018 का है और ये बंगला का न्यूज पेपर है। ठीक है, अगर जो बंगाल से बिलोंग करते हैं तो प्लीज आप इसे चेक कर लीजिए एक बार और मुझे बताइए जरूर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।